Thank you so much, Bismillah Rahman Ji. आप सबको ईद मुबारक क्या कहते हैं ये कोई हम करने के लिए खुशी का दिन है मजदूरों के लिए हम इसको ईद डिक्लेयर कर चुके हैं तो ये हमारी ये ईद है तो आप सबको पहले ईद मुबारक चल तरह सा आज मैं डीए श्री गुरु का दर रहा चल ते वतरा आभार करूंगा सिक्स सच प्यार सबसे पहले तो ये डिसेबल वर्ड से हमें काम था है और रहेगा इस हॉल में अगर कोई परफेक्ट बेटा है तो वो स्टेज पे आके मैं साबित करूंगा कि इज आल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी Then why I am so pessimistic and reach here and this so आप ये reach here वालों को disabled ना समझे और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान और कोयटा वाले आप सब जानते हैं इस टाइम ये disabled बंदा कोई 12 फीट में बलूचिस्तान को बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी ऑफिस के चेक के बगैर किसी बैंक अकाउंट के और बगैर परमानेंट ह्यूमन रिसोर्स के काम कर रहा है और मेरे साथ इस तरह के कोई 50% की डिसेबिलिटी है जो काम कर रहे हैं जो हमें डिसेबल समझते हैं या कहते हैं या बोलते हैं तो उनका इलाज सबसे पहले लाजमी है उनको कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना लाजमी है कि उनके साथ क्या मसला है एक और बात मैं चूंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता हूं तो मैं किसी से कोई फंड के लिए नहीं जाऊंगा लेकिन मैं मजदूरी के नाम पे कारोबार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे हर प्लेटफॉर्म पे लाजमी बोलूंगा अगर कोई मजदूर अफराद को केस करेगा तो उसका सबसे पहला दुश्मन ज़िया खान और उसके साथ उसके तमाम वॉलंटियर्स होंगे और वो करने होंगे लास्ट प्रोग्राम में मैंने कुछ ऐसा कहा था वो कुछ धीरे थे कुछ शिकवे थे लेकिन आज कुछ आपके साथ शेयर करूं नूर बहादुर साहब हमारे वॉलंटियर थे सेक्रेटरी से अड़ के बदकिस्मती ये है कि हम जब हेल्थ में उनके साथ किसी हद तक पहुंचते हैं तो पता नहीं किसका ट्रांसफर कर देते हैं वो उधर ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन ट्रांसफर का ट्रांसफर तो असल बोलो साहब से हमारी जो वन पॉइंट एजेंडा है सर दुआ कीजिए नूर साहब को दो साल छोड़े अगर आपने पाकिस्तान में आपको डिसेबिलिटी में रिकॉर्ड टाइम करके दिया तो कुछ नहीं करेंगे और दूसरी बात कोई किसी पे एहसान नहीं करे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो हमारा गुलाम है वो हमारा मजदूर है इंक्लूडिंग मी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं पैसे लेता हूं मैं तनख्वाह लेता हूं और ऊपर मेरा यार की को कि मैंने अपनी नहीं खुशखबरी ये है मेरे कुछ दोस्त हमेशा नाराज रहते हैं कि यार आप हम एहतजाज कर रहे हैं हम इसको यूं सियाम मना रहे हैं और आप इसको ईद मना रहे हैं तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ईद है और इंशाल्लाह ईद रहेगा हम एहतजाज आखिरी मूड होता है वो आखिरी मूड ट्रंप का किएंगे जब नूर साहब दरवाजा बंद कर ले मिनिस्टर साहब दरवाजा बंद कर ले नायबुल साहब दरवाजा बंद कर ले कोई हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम कहेंगे भाई निकलो कोई ना असेंबली जाएगा ना कोई ऑफिस जाएगा लेकिन जब आपने 2017 का एक्ट पास किया डिसेबिलिटी पे पाकिस्तान में हुआ है सुबह बलूचिस्तान वॉलंटियर्स की मदद से पीएसओ की मदद से और सारे डीपीओ की मदद से मैं नहीं कर सकता हूँ अकेला हम वो सुबह बने जो ने पाकिस्तान में सबसे पहले डिसेबिलिटी बिल पास किया मैंने जब मैंने वर्ग का वीडियो शेयर किया अपने वॉल पे व्हाट्सएप पे हम गए थे क्वेटा ऑनलाइन के वॉलंटियर्स तो मैंने नूर साहब को भेजा नहीं है वो वीडियो नूर साहब का मैसेज मुझे आया है कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ यू डन वेरी गुड जॉब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा वो बात नहीं रही सोशल वेलफेयर से टीम बना वहाँ गई सर्वे किया कुछ को डिवाइसेस चीजें मिले और कुछ का इलाज अभी पीछा कराया एक और खुशखबरी सर आपकी परमिशन से अगर मैं शेयर करूँ और दोबारा रिपीट कर ले सोशल वेलफेयर पहला डिपार्टमेंट पाकिस्तान में कि वो 5% कोटा खुद से स्टार्ट कर रहा है और ये 5% कोटा वो रोके नहीं होंगे हमें सब बनाते हैं जाते हैं कहते हैं दो पोस्ट हैं तो 2% कहाँ से निकाले
अब हमारे अंकित जी है, वहां पे भाई आप शुरू से सब प्रोजेक्ट से आपने लगाए, अगर आपने आजाद टीचर लगाया ना तो उसने हमारा एक बंदा है 500 टीचर हमारे भी लगा ले और डिसेबिलिटी है। अब पोलियो की इंतजार में नहीं है कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाया, तो पोलियो है एक्सीडेंट बम ब्लास्ट। या आजकल तो हमने वॉशरूम भी वो बनाया है डिसेबिलिटी को, हमने खुद दावा देते हैं कि कभी ना कभी तो डिसेबल हो, तो ये कोई जहन में नहीं रखे कि कोई डिसेबल होगा अल्लाह की तरफ से मुझे और टाइम का भी कहना, मैं ज्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन इस इवेंट में खुशखबरी आपका 5% कोटा, खुशखबरी सोशल मीडिया से बकायदा लेटर जा चुके हैं प्राइवेट स्कूल को कि पर्सनल डिसेबिलिटीज के 50% फीस ऑफ, हॉस्पिटल में बोल रहे हैं 50% फीस ऑफ, ये सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर साहब के और रूस साहब के एफर्ट्स है, इंक्लूडिंग सीएम साहब। मैं सीएम साहब के बारे में कुछ को किसी ने, मैं बाहर पार्टी का नहीं हूँ ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं रजाकार हूँ, जो अच्छा काम करेगा वो चाहे बॉर्डर की उस तरफ भी होगा उसकी तारीफ करूंगा। दुनिया में पहला सीएम आपके साथ ट्विटर पे मौजूद है, जवाब दे रहा है और लोग उसको कहते हैं इसका टाइम पास नहीं होता है। मेरे 40 के मसले ट्विटर पे आए हुए जो शायद मैं 3 साल से चीख रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, मैं कोटा कमिश्नर के साथ सीएम के थ्रू ट्विटर पे डायरेक्ट हुआ तो अनेक लोग ट्विटर पे सब आए, मैं कह रहा हूँ हसन साहब आप भी आए, नागरिकों साहब आप भी एक्टिव हो जाए ताकि हम डायरेक्ट आपको ट्वीट करें, फिर स्टेजों पर कहने की जरूरत नहीं होगी, कोशिश हम सब कर रहे हैं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट सर, मिनिस्टर साहब हम एक बीजीएफ क्रिकेट टीम एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, कुछ हेल्प नागरिकों साहब कर रहे हैं, कुछ हेल्प आप कर रहे हैं ताकि इस बीजीएफ वालों को हम पिशावर में क्रिकेट खेला सकें, पूरे पाकिस्तान की टीम स्पॉन्सर हो चुकी है, बलूचिस्तान फिर पीछे, तो हमें प्लीज सर ये चीजें थे। बाकी डिसेबिलिटी के लिए हमारे मूवमेंट पूरे साल जारी रहता है। एक और चीज, अजमल बैठा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अगर गवर्नमेंट के पास वो फंड्स हैं तो इनको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हमने अपने चंदे से 5-5 सौ हजार से पे कर दिया है, लेकिन इलाज काफी मुश्किल है और इस तरह के और भी पेशेंट्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने किसी इंटरनेशनल एनजीओ के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ऐसा इंतजाम करे कि हमारे जो ये पेशेंट्स हैं और पॉसिबल इलाज दो जगहों पे, एक चाइना में और एक इंडिया में, तो जो भी पॉसिबल होगा इनको हम वहां भेज देंगे। तो आप सब इन सब लोगों से जो कहते हैं माजूर गोल्ड नगड़ा, ये सबसे बड़े हीरे हैं, ये सबसे काबिल लोग हैं, इनको जो डिसेबल कहते हैं, इनको जो माजूर कहते हैं, इनको जो लंगड़ा कहते हैं, उसके दिमाग में काम है और उसको हम मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार है। आप कोई माजूर नहीं हो और ये आज अगर